एक्साइटेड है वो सारे रिस्पॉन्सेस के बाद? मी ओके बहुत एक्साइटेड है क्योंकि यू नो पीपल आर लविंग इट. और आई थिंक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो मुझे लगा जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि काफ़ी लोगों को लग रहा था एक पूरी फिल्म हमने 5 मिनट में बता दी है. आई फील लाइक दैट्स अ फीट बिकॉज ये करना बहुत मुश्किल होता है. तो इफ़ वी वर एबल टू कम्युनिकेट एवरी थिंग इन दोज 5 मिनट्स आई थिंक इट्स अ विनर. और आई यू नो जितने भी मेरे यू नो फ्रेंड्स हैं उन्हें गाना बहुत पसंद आ रहा है. और आई एम ग्लैड क्योंकि यू नो जब मैंने यू नो साइन किया था तो मुझे गाना बहुत पसंद था. सो आई वॉज होपिंग दैट एवरीबडी एल्स अराउंड ऑल्सो लव्स द सॉन्ग बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो मैं इतना बोलूँगा कि जब एक इंसान कोई दिल से काम करता है तो फिर वो हमेशा सफल ही होता है. एंड या हमने सब ने दिल से काम किया है. सर ने बहुत दिल से इस गाने को बनाया है. एंड लिरिक्स एंड सिंगर जैसे संदीपा ने बोला कि इट वॉज अमेजिंग. एंड या अल्टीमेट एंड पीपल आर लविंग इट. दैट्स The cherry on the top, and it was overall like a great experience. मेरी जुबान लड़खड़ा रही है but amazing था. बहुत मज़ा आया. I am super excited as a composer क्योंकि पहले भी हमने काफ़ी सारे गाने किए. तो when you keep doing songs बहुत कम गाने ऐसे होते हैं जो लोग सुनते हैं वरना बाकी सब गाने खुद को ही सुनने पड़ते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द सॉन्ग के जो हम चाहते थे कि लोग सुने और लोग सुन रहे हैं. वैसे ऑन स्क्रीन तो सब लोग देख ही चुके हैं लेकिन ऑफ स्क्रीन आप लोगों को कितना समय लगा, कितनी मस्तियाँ हुई, क्या कुछ वहाँ पे अगर आप कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए ऑफ स्क्रीन से. बातचीत वहीं पे हुई थोड़ी बहुत एंड उसके हमने शूट किया. सो अच्छा है कि ज्यादा हमने मस्ती नहीं करी क्योंकि ज्यादा कंफर्टेबल होने वाली बात नहीं थी इस गाने में ज्यादा. मुझे तो कैरेक्टर मेंटेन करना था, इनको भी करना था बिकॉज मैं एक वो ऑकवर्ड जोन मेंटेन करके रखना था. सो आई एम ग्लैड वी कुड यू नो क्लियरली एंड ऑनेस्टली डू दैट. एंड आई थिंक मस्तियाँ सारी हो जाती हैं यार ऑफ कैमरा बाद में शूट के बाद. एंड जब शूट चलता है तब यू हैव टू फोकस ऑन द कैरेक्टर कि हमें क्या दिखाना है यू नो क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं पे वो चीज़ मिस हो जाए, वो एक इमोशन मिस हो जाए कि यार वो जो दिखाना था वो ऑकवर्डनेस वो नहीं दिख पाई. सो या ऐसे लास्ट में ऐसा भी दिखाया जाता है कि आपने बाद में उनको जाके बोला कि हाँ आपने लेटली नोटिस किया कि हाँ ये वहाँ पे ट्यूलिप है, मतलब हर जगह ट्यूलिप डाला हुआ है. हाउ इज दैट टू यू नो काइंड ऑफ रिलेट इनटू इमोशन इन दैट जोन? आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्वीट जेस्चर. उसमें मेरा कुछ यू नो कंट्रीब्यूशन नहीं था. वो इन्होंने बट आई एम श्योर इनके साथ हुआ होगा लाइफ में ऐसा यू नो कि किसी ने इनके लिए देखना अब ये बदला ले रहा है नहीं नहीं बेसिकली कि इन्होंने वो किसी ने कुछ किया होगा इनके लिए तो इन्होंने बोला होगा चल कोई नहीं यार ठीक है तो ऐसी बात नहीं यार चल कोई नहीं यार तू खुश रह मैं भी खुश हूं ऐसा हुआ. आई एम श्योर हुआ होगा यार ऐसी बात नहीं है. आई मीन ऑफ कोर्स पीपल डू थिंग्स फॉर यू और आपको तब नहीं पता होता फिर बाद में पता चलता है. ऑफ कोर्स दीस थिंग्स हैपन एंड आई एम श्योर यू नो हर लड़की के साथ ऐसा हुआ है. यू नो शी इज बीन यू नो आस्क्ड आउट बाय समबडी but you know she probably you know didn't realize ki you know he was in love with her and stuff like that. to aisa ek kafi common cheez hai. I feel the usp of the script was also ki ye kahin na kahin kafi relatable tha. maine apni life mein aisi stories bahut dekhi hai. I'm sure prateek and siddharth also would agree ki ye bahut common hua karta tha ki you know the boy would you know fall in love with his friends I mean sisters friends and whatever. is song mein rahul ji bhi hain तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि राहुल इसमें कबाब में हड्डी है या प्रतीक यार कोई कबाब ही नहीं तो हड्डी कहाँ से आएगी. कबाब ही नहीं है मैं तो वेजिटेरियन हूँ यार. but Rahul is very nice. yeah. yeah. I got the opportunity to work with him quite a lot on that day. और बहुत ही अच्छा एक्टर है और इनफैक्ट यू नो एंड इनफैक्ट वन ऑफ हिज एक्चुअल शादी का क्लिप which was trending on Instagram. Oh. And I had saved it, you know, because I loved the song that was used in it. And then he was talking about it and then he's like, you know, one of my songs is doing really well. I said, which song? He said, this. I said, what are you saying? This is you. He said, yeah, it was his actual Shaadi ka, wow. Pheron ka video hai, jo kaafi popular ho gaya. So, lovely guy. Lastly, dua karo, bahut zyada famous ho raha hai, bahut zyada pyaar bhi de rahe hain log. Aap apne fans ko kya kehna chahenge and what do you wish for them? Well, to touch wood, yaar. Thank you so much because for loving the song. For appreciating us, for all the messages that you all send, all the reposts, all of that. Thank you so much. I think, you know, हम बहुत बहुत grateful हैं क्योंकि ए हम जो पसंद करते हैं हमें वो काम करने का मौका मिल रहा है
और लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है. आई थिंक वेरी वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू यू नो टू गेट सो मच लव फ्रॉम एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर्स. दे डोंट नो अस बट येट दे गिव अस सो मच लव. सो थैंक यू सो मच टू एवरीबडी एंड आई होप यू ऑल स्टे सेफ, बी गुड एंड स्टे पॉजिटिव. सो मैं इतना बोलूँगा कि यार आप लोग वही जैसे संदीपा ने बोला कि अपना कीमती समय निकाल के हमें इतना समय दे रहे हो कि हमारा गाना स्ट्रीम कर रहे हो, सुन रहे हो, और ऐसे ही करते जाइए प्लीज़. क्योंकि हमारी मेहनत तो है ही बट आप लोगों की मेहनत बहुत है कि यू नो टू गिव सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ एफर्ट टू यू गाइस पुट इनटू एवरीथिंग दैट यू गाइस डू. थैंक यू सो मच. आप लोगों का हर एक एफर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है एंड थैंक यू सो गॉड ब्लेस यू ऑल.